क्या बात करते हो तुम? कहते हो कि हम बहुत साफ है, वॉशिंग मशीन में भाजपा के वॉशिंग मशीन में धूल के हम आ गए हैं। तुम्हारा चरित्र सब कोई जानता है, एक नहीं 100 दाग है तुम्हारे ऊपर, और हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं है। और तुम अपने आप को चरित्रवान कहते हो, कहते हो कि हम बहुत बड़े चरित्रवान है। कहते हो 130 करोड़ का घोटाला कौन किया, 17 CLAT का मुकदमा किसके ऊपर है, देशद्रोह का मुकदमा किसके ऊपर है? भानु प्रताप शाही तुम्हारे ऊपर है, और इस बार की जनता गांव गांव जाके तुम्हारे चरित्र को जो जानती भी है उसको उजागर करने का काम छोटे राजा करेगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। और 130 करोड़ का घोटाला किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि आपके ऊपर? उग्रवादी का आपने पूरा चोला पहन करके बैठा, सारा उग्रवादी का कार्य आपने किया। ये दस्तावेज की क्या बात करते हैं, CID में लगा के दबुआने की बात कर रहे हैं? हमको नहीं मालूम है कि CID में दबुआ है 17 CLAT का। आप 15 साल में क्या किए, 15 साल विधायक रहे, बिशुनपुरा के लिए किए, भवनाथपुर विधानसभा से छोड़ दीजिए, बिशुनपुरा के लिए विधायक हैं। नौजवान जो हैं भटक रहे हैं, सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था तो आप नहीं की। जब चुनाव आता है तो कहते हैं सीमेंट फैक्ट्री हम खुलवा। आज मैं भानु प्रताप शाही जो अनर्गल बयान दिए हैं बिशुनपुरा में जाके, किससे किसकी जमीन की मारपीट हो रही है और किससे किसकी जमीन का विवाद हो रहा है, और डायरेक्ट निशाना जो है हम लोगों पर के ऊपर लगा रहे हैं, हमारे परिवार के ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहता हूँ भानु प्रताप शाही से कि बिशुनपुरा के लिए आखिर वो किया क्या है, कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जो बिशुनपुरा के लोग बहुत लाभान्वित हों, सिर्फ बिशुनपुरा में जाके दो परिवार, किस परिवार के लड़ाई झगड़ा हुई है इसको तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पारिवारिक लड़ाई में, जमीन विवाद में ये डायरेक्ट हम लोग पर निशाना साधना ये उचित नहीं है, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए आज हम लोगों ने या हमारे परिवार के लोगों ने बिशुनपुरा में जब ब्लॉक नहीं था, थाना नहीं था, तो 5 एकड़ जमीन दान दे करके सरकार को हम लोगों ने, वहाँ पे उग्रवादी का माहौल था, वहाँ पे डर था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, 5 एकड़ जमीन, 5 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने दान देने का काम किया सिर्फ बिशुनपुरा के लिए। जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं, रोड है, सड़क है, बिजली है, सब लोगों की योजनाओं में भी हम लोगों की भागीदारी रही, हमारे पिता की भी भागीदारी रही, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना डायरेक्ट जो है हमारे ऊपर करना, हम भजपुरगढ़ के ऊपर करना, लेकिन आप क्या जताना चाहते हैं भानु प्रताप शाही? आप 15 साल में क्या किए, 15 साल विधायक रहे, बिशुनपुरा के लिए किए, भवनाथपुर विधानसभा से छोड़ दीजिए, बिशुनपुरा के लिए क्या किए? और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो दस्तावेज मेरे पास, जो ये दस्तावेज है, ये कदमन का है और बत्तों का है, यहाँ के गरीब आदिवासी किसान मजदूर दलित के लोगों को आप रजिस्ट्री भी किए, जमीन आपने बेचा, आपको किसान मजदूर दलित से भी और कंपनी को भी बेच दिया। आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े नायक हैं और सामंती ये लोग हैं, सामंती तो आप हैं जो नगर उटारी गढ़ को आप डायरेक्ट निशाना साधते हैं। ये जो दस्तावेज हमारे पास वहाँ के लोगों ने दिया, बत्तों को लोगों ने दिया, कथवन के लोगों ने दिया, कि आप एक तरफ रजिस्ट्री ग्रामीणों को भी करते हैं और दूसरी तरफ रजिस्ट्री जो है कंपनी को भी करते हैं, तो ये तो आप क्लियर कीजिएगा ना कि आप सामंत हम हैं कि आप हैं? उग्रवादी का आपने पूरा चोला पहन करके बैठा, सारा उग्रवादी का कार्य आपने किया, ये दस्तावेज की क्या बात करते हैं? CID में लगा के दबुआने की बात कर रहे हैं? हमको नहीं मालूम है कि CID में दबुआ है 17 CLAT का मुकदमा, और 130 करोड़ का घोटाला किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि आपके ऊपर है? जहां जहां लड़ाई पूरे भवनाथपुर विधानसभा में जहां जहां लड़ाई हो रही है वहां वहां टारगेट नहीं करके सिर्फ बिशुनपुरा पे आप टारगेट कर रहे हैं, कितना विवाद आप सुलझाइएगा? जहां मार है, पीट है, जमीन है, विवाद है, आप सुलझाइए। कहते हैं कि हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन वो आवाज उठाएगा? अरे भैया आप विधायक हैं, नौजवान जो हैं भटक रहे हैं, सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था तो आप नहीं की। जब चुनाव आता है तो कहते हैं सीमेंट फैक्ट्री हम खुलवा देंगे, 4000 एकड़ जमीन आपके घर के बगल में है,
आपने किया क्या? और यहाँ आके बिशुनपुरा में यहाँ कहते हैं कि सामंती है जमींदार, तो आप क्या है? आप जुल्मी जमींदार हैं। आपने गरीबों का हक छीनने का काम किया है, गरीबों को लिखित रूप से रजिस्ट्री करने का काम किया है, और गरीब आज भी भटक रहे हैं कि कंपनी से लड़े कि हम इनसे लड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बहुरूपिये को, और ये कहते हैं कि हम गट्टा पकड़ के उतार देंगे, इनकी हिम्मत है एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को गट्टा पकड़ के उतारने की बात करते हैं, तो ये कौन कह सकता है? जो शुरू से उग्रवादी में सम्मिलित रहा हो ये भाषा वही कह सकता है। हम लोग तो कभी भी ना प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं ना मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं, यही बराबर क्यों कहते हैं? ये निशाने पे आते हैं। एक आदिवासी परिवार का मुख्यमंत्री जिसको गट्टा पकड़ के डायरेक्ट गाली देने का काम किए हैं, गट्टा पकड़ के उतारने की बात किए हैं। आने वाला गजरा मुरई कह रहे हैं ना, अपने आप को ज्यादा घमंडी मत समझिए कि गजरा मुरई हम नहीं है। गजरा मुरई इस बार भोनागपुर की जनता आपको कराने पे मजबूर हो जाएगा। और उखाड़ फेंकने की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से हम लोग दो दो तीन तीन बार चुनाव हारे हैं, कोई गलत काम नहीं किया है। आपने क्या किया है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। 15 साल आप विधायक रहे, पावर प्लांट तो हमने, या हमारा सपना है कि पावर प्लांट लगे, लेकिन आप 15 साल नौजवान 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 किए, कहां गए नौजवान? किस व्यवस्था में नौजवान चल रहे हैं आप? और मैं एक चीज जरूर बात कहना चाहता हूं कि भवनाथपुर विधानसभा में अब विकास का मुद्दा नहीं है। जहां जहां लड़ाई झगड़ा होत बा, जहां जहां मारपीट होत बा जमीन के, जा वहीं जा, वहीं पर डायरेक्ट छोटका राजा के, भटपुरगढ़ के, कभी ताहिर के, कभी हमार लड़का के, यह हुआ तू बयान दो। और तोहर बयान पे छोटे राजा घबराए वाला नहीं खन, बराबर तोहर मुंह पर जवाब देने के लिए हम बराबर आपके तैयार रहेंगे। क्या बात करते हो तुम? कहते हो कि हम बहुत साफ है, वॉशिंग मशीन में, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धूल के हम आ गए हैं। तुम्हारा चरित्र सबको जानता है, एक नहीं 100 दाग है तुम्हारे ऊपर, और हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं है। और तुम अपने आप को चरित्रवान कहते हो, कहते हो कि हम बहुत बड़े चरित्रवान है। कहते हो 130 करोड़ का घोटाला कौन किया, 17 CLAT का मुकदमा किसके ऊपर है, देशद्रोह का मुकदमा किसके ऊपर है? भानु प्रताप शाही तुम्हारे ऊपर है, और इस बार की जनता गांव गांव जाके तुम्हारे चरित्र को, जो जानती भी है, उसको उजागर करने का काम छोटे राजा करेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं।